आप देख रहे हैं एवीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर 4 मोटरसाइकिलों के अलावा नकदी व आभूषण बरामद कर लिए। एसओजी सर्विलांस की टीम तथा थाना चंदौसी के द्वारा आज एक चोरों के गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 2 अभियुक्त जिनके नाम गुड्डू और सूरज है, इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 बाल अपचारी भी इसमें पुलिस के पास आए हैं, जिनको उचित वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल 12,93,000 रुपये नकद, सोने चांदी के आभूषण, 4 नई मोटरसाइकिल, 5 आईफोन ये बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इनके द्वारा चंदौसी थाने में 2, हयातनगर थाने में 1 और हरियाणा जिले के पंचकुला सेक्टर 5 थाने में 1 बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 5 जिला पंचकुला हरियाणा की जो चोरी है उसमें 60,00,000 रुपए चोरी होने की बात इन लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है, और उसमें से काफ़ी पैसा इन्होंने अपने देखरेख में अपने घर परिवार वालों के ऊपर खर्च कर लिया। जो पैसा बचा हुआ है वो आज बरामद किया गया है। इनके पास से 2 अवैध चाकू भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में इनके जो गिरोह के कुछ लोग हैं जो अभी हरियाणा में गिरफ्तारी हेतु शेष हैं, उनके लिए अंतर्राज्यीय टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह का गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने रुपये बरामद हुए इनसे? कुल 12,93,000 रुपये अभी बरामद हुए हैं, बाकी और के लिए प्रयास किया जा रहा है।